पता नहीं क्या हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या किसी ने आग लगा दी। हाय गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, गाड़ी में आग लग चुकी है। देखिए, ये गाड़ी जल के बिल्कुल राख हो चुकी है। इतनी बुरी तरीके से जली हुई गाड़ी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी जो कि मैंने अभी देखा। चलिए जल्दी से स्पॉट पे चलते हैं और सामने से आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ कि कैसे ये गाड़ी जल के राख हो चुकी है। पता नहीं क्या हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या किसी ने आग लगा दी या गाड़ी में कुछ हुआ, कुछ फॉल्ट हुआ और उसकी वजह से बुरी तरीके से आग लगी। चलिए जाके देखते हैं, लोग जो होंगे वहाँ से बातचीत करेंगे। मैं तो घूमने आई थी यहाँ पे, वॉक करने आई थी शाम को और मुझे ये दिख गया। तो मैं बस घूमने आई हुई थी आज डाउनटाउन मिलवॉकी डाउनटाउन। सोचा मौसम बहुत ही अच्छा था, आज 30 डिग्रीज के अराउंड टेम्परेचर था, तो मैं सोची क्यों ना लेक के पास चलते हैं, वॉक करते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। और रास्ते में मुझे ये जली हुई गाड़ी दिखी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना ली जाए और आप लोगों को बताया जाए कि अमेरिका में अगर कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है रोड पे तो उसके बाद क्या होता है। और ये सामने का जो नज़ारा आप देख रहे हो, ये डाउनटाउन मिलवॉकी का लेक है जहाँ पे मैं अक्सर आती हूँ वॉक करने। और ये देखिए, ये गाड़ी भी उस इंसिडेंट की वजह से यहाँ पे आके रुकी हुई है और आप देख सकते हो सामने पुलिस वाले भी हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर वाली गाड़ी लग रही है मुझे दूर से। चलिए अब गाड़ी के पास चलते हैं जहाँ पे आग लगी है, जिस गाड़ी में, उसे देखते हैं। वहाँ पुलिस वाले भी आए हुए हैं तो उनसे जाके पूछते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ आखिर कैसे। ओ माय गॉड, देखिए कितनी बुरी तरीके से ये गाड़ी जली हुई है। चलिए पास चलते हैं और बातचीत करते हैं इन लोगों से। सामने जो ये लड़के खड़े हैं, ये इनकी गाड़ी लग रही है जिससे पुलिस वाले जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। और साथ में पुलिस की एक बड़ी सी वैन भी है जो आप देख सकते हो। How did this happen? Do you have any idea? गाइस, देखिए कितनी बुरी तरीके से ये गाड़ी जली हुई है। मैंने तो इतनी जली हुई गाड़ी कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। चलिए मैं चारों तरफ से दिखाती हूँ आप लोगों को। बिल्कुल राख हो चुकी है ये गाड़ी। Hello officer, how did this happen? No? Fire. Broke down? Not sure? Okay, thanks. So, जैसा आपने सुना, पुलिस वाले को भी अभी तक नहीं पता कि ये हुआ आखिर कैसे। So guys, आप देख सकते हो ये जो मेरे पीछे गाड़ी है कितनी बुरी तरीके से जली हुई है। So guys, बहुत बुरी तरीके से वो गाड़ी जली हुई है और मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से भी पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, बट उन्हें भी कुछ पता नहीं था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है और जानने की कोशिश कर रहे हैं वो कि आखिर हुआ क्या, गाड़ी में आग कैसे लगी। तो अमेरिका में क्या प्रोसेस है ये होने के बाद, अगर कुछ भी हो जाता है आपकी गाड़ी में आग लग जाए या एक्सीडेंट होने के बाद, ये मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली जैसे ही कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो सबसे पहले आप 911 कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं, साथ में फायर एक्सटिंग्विशर को भी बुलाया जाता है। और आप देख सकते हो अभी गाड़ी उठाने वाले आ गए हैं और इस गाड़ी को उठा के ले कर जाएंगे यहाँ से। सो फायर एक्सटिंग्विशर प्लस पुलिस दोनों यहाँ 911 कॉल करते ही तुरंत आ जाते हैं विद इन 4 to 5 minutes। उसके बाद जो आसपास लोग होते हैं उनके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और पुलिस वाले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। और सारे विटनेस के साथ वो बातचीत करते हैं, जो भी स्पॉट पे लोग प्रेजेंट होते हैं इंसिडेंट के टाइम पे, चाहे मान लो कोई एक्सीडेंट ही क्यों ना हुआ हो, यहाँ पे तो गाड़ी जली हुई थी पूरी की पूरी। बात करते हैं एक्सीडेंट का एग्जाम्पल लेके। सो एक्सीडेंट होने के बाद भी यही प्रोसीजर है, पुलिस आती है, जो भी दो गाड़ियों के बीच एक्सीडेंट हुआ रहता है वो दोनों ड्राइवर्स को वहीं पे गाड़ी रोक के साइड में प्रेजेंट होना है। और उसके बाद दो तीन गाड़ी आती है पुलिस की,
जिसमें अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं जो दोनों के दोनों ड्राइवर से बात करते हैं अलग अलग जाके, और वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि किसकी गलती थी, किसका फॉल्ट था, क्यों हुआ आखिर ये एक्सीडेंट, और साथ में जो आसपास के एक दो आई विटनेस होते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों ड्राइवर से बात करने के बाद, आई विटनेसेस से बात करने के बाद, वो फॉल्ट निकालने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गलती किसकी थी। और जिनकी भी गलती होती है उनके लिए एक टिकट बनाया जाता है, टिकट काटा जाता है, और जो दूसरे वाले बंदे का जो भी डैमेज होता है उसका खर्चा सामने वाले बंदे को देना होता है। सो बेसिकली यहाँ हर गाड़ी का इंश्योरेंस रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो जो भी पैसा होता है डैमेज का वो आपका इंश्योरेंस भर देता है। तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अमेरिका में गाड़ियों का इंश्योरेंस बहुत ही महंगा है और सब लोग रखते ही हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह का और अगर आपको पैसे देने पड़ गए तो आप कंगाल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बिल आता है। सो इसीलिए इंश्योरेंस रखना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी ने दूसरे ने ठोक दी और उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको अपना इंश्योरेंस यूज़ करके गाड़ी को ठीक कराना होता है, तो उसके लिए भी लोग यहाँ इंश्योरेंस रखते हैं। सो ये प्रोसीजर है, जिनका फॉल्ट नहीं है एक्सीडेंट में उनके गाड़ी का जो भी खर्चा आता है डैमेज ठीक कराने का सामने वाले बंदे के इंश्योरेंस से जाता है। सो और थोड़ा बहुत आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता है, यानी कि मान लीजिए मेरी गलती है तो मेरे इंश्योरेंस के अलावा मुझे कुछ पैसे आउट ऑफ पॉकेट भी देना पड़ सकता है अगर ऐसे किसी एक्सीडेंट के टाइम पे। सो यही प्रोसीजर है। बाकी यहाँ अगर आप एक्सीडेंट भी कर देते हो तो जेल नहीं होता, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा कुछ ना हो, मतलब किसी की डेथ वेथ ना हो जाए। वैसे यहाँ की गाड़ियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा सेफ होती हैं और सेफ्टी बहुत ज़्यादा रखते हैं हर गाड़ियों में, तो इसीलिए मैंने ऐसा केस ज़्यादा नहीं देखा है। तो इसीलिए जो भी होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ बहुत होते हैं, बट गाड़ियों का डैमेज होता है, कभी भी ऐसे कोई डेथ वगैरह ज़्यादा नहीं होती। तो बस आप, अगर आपका फॉल्ट है, आपको एक टिकट मिलता है, आपको थोड़े पैसे देने पड़ते हैं और बाकी आपके इंश्योरेंस से जाता है पैसा, और आपका इंश्योरेंस जो अगली बार से पे करोगे वो उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो, तो अगली बार से आपका थोड़ा इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस का खर्चा वगैरह मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली वीडियो में बताया था कि अमेरिका में कितने पैसे लगते हैं इंश्योरेंस वगैरह के और महीने का कितना खर्चा निकलता है, तो ये बहुत ही मैंडेटरी खर्चा है यहाँ अमेरिका में। सो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी इस गाड़ी के ऊपर, और अगर मुझे आगे पता चलता है तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो पे बताऊंगी जरूर। और ये देखिए अब गाड़ी को उठा के ले जाया जा रहा है। और गाइस, आप लोगों की कोई भी क्वेरी है अमेरिका के बारे में, अमेरिका की लाइफस्टाइल के बारे में, वीजा के बारे में, जॉब्स के बारे में, तो आप सब कॉमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, और मेरी बस यही कोशिश होती है कि मैं आप सब तक सच्ची और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, आप लोगों को जितना हो सके अच्छी इन्फॉर्मेशन दूं। तो ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय।